Now we are entering the fort. Kangra Fort. Slippery road. Very thin roads. People should read this one. Do not write on this wall. चलते रहो चलते रहो हेलमेट में. हेलमेट इज फॉर सेफ्टी. सेफ्टी मीन्स पत्थर गिरेगा तो बचेगा. और रेनकोट इज फॉर रेन. मेरा घुट अच्छा आएगा यहाँ पे फोटो. हाँ चलते रहो. आहिनी दरवाजा. बहुत चूतिया लग रहा. अब धूम अब काहे उतार दिया ना काहे उतार दिया. अमीरी दरवाजा. गरीबी था. गरीबी नहीं था वो. आहानी दरवाजा. आहानी दरवाजा था. ये अमीरी दरवाजा है. यहाँ पे सारे अमीर लोग रहते थे. हाँ इस पे हमला नहीं कर सकता दुश्मन. लोग इधर करो कैमरा. इस पे दुश्मन हमला कर ही नहीं सकता था. इनएविटेबल था. वजह है इतना चढ़ते थे तो लोग का हालत खराब हो जाएगा. हमला क्या करेगा. वो हमारी तरह 5 फुट के नहीं होते थे पहले के लोग. 6-6, 7-7 फुट के होते थे. और उनको वो कूदते भागते सब कुछ थे. दिस वन इज जहांगीरी गेट. एंड दिस वन इज द व्यू. कैमरा में कैद हो गया. एंड देयर आई एम. या बाल खराब हो चुके हैं. हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है. भीग चुके हैं. पेंटों के अंदर तक पानी भर चुका है. अंदर आप समझ ही रहे होंगे. बारिश में बाइक चलाकर पहाड़ों पे
हम पहुंचे हैं कांगड़ा फोर्ट। किला अच्छा है, पहले हमने सोचा कि इसको ऑप्ट नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। फिर जब बारिश हो ही रही थी तो नेक्स्ट हम लोग का सबसे क्लोजेस्ट स्टॉप यही था। यहाँ आया तो पता चल लगा कि ये लोग फिजिकली काउंटर पर टिकट नहीं देते हैं, तो टिकट हमें ऑनलाइन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वेबसाइट से कटवाना पड़ा। और फिर हमने टिकट के लिए पर हेड 20 रुपीज़ है, तो हम लोग दो लोग हैं पर हमने 40 के जगह 80 रुपया दिया है। 80 रुपया दिया, पहला पेमेंट फेल्ड हो गया, दूसरी बार कटवाया। इजी है, अच्छा है। अब चढ़ाई करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, रास्ता गीला है, पत्थर पे काई जमा हुआ है, सो लिटिल स्लिपरी, बट इट्स गोइंग गुड टिल नाउ। हाँ, अब वह इसकी ऊंचाई देखिए, अब दीवारों की, ये अंधेरी गेट है और इतनी ऊंची दीवार है। वो देखो, बंदों को मना किया गया है कि दीवारों पे ना चढ़े, पर ये कुछ सहनसा लोग हैं, जब तक ऊपर से गिरकर एक आध इंसिडेंट ना कर दे तब तक कहानी कैसे करेंगे। अच्छा हुआ ये किला मेरा घर नहीं था। पूरी तरह से व्यू यहाँ से काफी खूबसूरत है, काफी मीन बहुत ज्यादा खूबसूरत। शानदार, दूर दूर तक निगरानी रखी जा सकती है यहाँ से। इतनी दरवाजे हैं, ये यहाँ से हम निगरानी रखते थे। ये है देखिए दर्शनी दरवाजे गेट, यहाँ से दर्शन ले सकते हैं हम लोग। अब वो नजर रखी जाती है, हो सूर्यदेव के लिए हो, चाहे दुश्मनों के लिए हो, चाहे और किसी भी पर्पस के लिए हो। तो अभी हम दर्शनी गेट से आगे बढ़ते हुए यमुना गंगा की मूर्ति, बहुत पहले की है, अब हम आगे बढ़ते हुए ब्यूटीफुल। ये हो गया इनका हैंगआउट प्लेस, पहले जब ये लोग थक जाते थे सर तो आके हैंगआउट करने का जगह था ये। ये देखिए ये कैफे है, जस्ट वेट अ मिनट। ये देखिए ये हो गया हैंगआउट स्पेस। अभी हमें बहुत ऊपर जाना है, ऊंचाइयों को छूना है। अब दर्शनी गेट पे हम देखें तो हर तरफ से बाहर देखने का जगह है। अब हम अंदर नहीं जाएंगे, कुछ खास है नहीं। अब तो अंदर सब कुछ बंद कर चुके हैं। हाँ देखिए, वो दर्शनी दरवाजा मतलब वो खाली सीन सीनरी देखने का था। फिर बारिश चालू हो गई है, देख सकते हैं, और हमें फिर रेनकोट पहनना पड़ेगा। और दिस इज डिसगस्टिंग, दिस इज गेटिंग वर्स। अब ध्यान से देखें तो इसमें आकृतियां बनी हुई है बहुत सारे,
कैन यू प्लीज टेक द फोन, लेट मी हियर द रिंग कोड अगेन।